ये साढ़े जम्मू वाले जड़े ना वो बोलते हैं पहाड़ियों ताई पहाड़ी में तर खाई पिए तितर। कभी पंजाब में स्कूल आए हो? ढोले बंदे जिससे तुम्हें लव देना उन्हें सलूट करो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग तुसे सारे गी। ते अस है मशोबरा ग्रां च और अज साडा कैंपिंग द डे टू है। और पिछे में पहले तुसें गी सोहना जिहा व्यू दसा। ये मंदिर है, इस केड़ा मंदिर है वो मैं बाद च अंदर जाइए दसगी, अल्ले नाई धोइए। तो ये तो घरे आला एरे कन्ने कन्ने जी अस तुसें गी आखिया हा कि सवेरे अस तुसें गी व्यू दसगे कि किस जगह अस रुके ने आ। तो चलो पहले तुसें गी इस सोहनी वादियां दसनी आ। ते धुप बड़ी शैल जिहड़ी निकली दी और सागर ने आखिया कि जिहड़ा पहले उठगा ओही व्लॉगिंग करगा। पर सवेरे सवेरे झूठ नहीं मारदे, सवेरे सवेरे इयो उठे हे। पर फिर मैं फड़ लिया पहले तो व्यू इंजॉय करो। ठीक है, ये देखो तो ये सोहनी जी वादियाँ और ये देखो नज़ारा बड़ा के शैल व्यू ही। जिस वे अस अपने टेंट तो बाहर निकले हाँ बड़ा के सोहना लगा था ही। पहाड़ियों के नज़ारे तो तुसे दिखी ले पर हूँ तुसें गी दसनी आ इत्थे दे मंदिर। तो पूरा एक बारी कैमरा पैन करी मैं तुम्हें दसना चाहनी कि एक मंदिर है और वो जो खल तुसें गी लब्भा रहा वो है आंगनवाड़ी सेंटर। इतने आंगनवाड़ी सेंटर भी जड़ा है वो है। ये सोहने जे मंदिर ने दो जेडे कि बड़े शैल है। सारे आख्या हूँ अस नाई तो ये अंदर भी जागे तुसें गी मैं जरूर दसगी। और ओदो उपरा बड़ा शैल है, उपर उच्चे उच्चे लम्बे लम्बे दरख्त है तुम दिखी सकते हो। बड़ा शैल लगा, ठंडी ठंडी हवा जेड़ी है वो चला दी है, कन्ने धुप भी निकली दी है। और ये जड़ा सामने नज़ारा है ये अलग ही लेवल है। हम तो निकले सुबह मॉर्निंग वॉक पे और मॉर्निंग वॉक पे क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। पहले तो हमने मंदिर देखा है, ये इसी टाउन का इसी गांव का एक आंगनबाड़ी स्कूल जिसे हम शहरों में प्री नर्सरी स्कूल कहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र और महिला के विकास के लिए। और ये कन्ने ही राइट साइड ऊपर है राजकीय प्राथमिक पाठशाला सीपुर। सीपुर च ए पाठशाला है, बच्चों का स्कूल है। तो तुसें गी बच्चों का स्कूल दसनी आ। हाले तो स्कूल बंद है क्योंकि टाइम इन्ना नहीं होए दा है, ताले लगे दे। पर चलो आओ पहले स्कूल देखने हैं। कहाँ पे आए हो आप? स्कूल में। स्कूल में आपके यूनिफॉर्म का है, ये पजामे में आते हैं? कभी पजामे में स्कूल आए हो? तो वही पूछ रहा हूँ, पनिशमेंट मिलेगी? चलो बाहर खड़े हो जाओ जाके। बुर्का बनना पड़ेगा या तो खड़े करा तरी वाला बनना फिर। ये स्कूल है हमारा, ते तुस दिखी सकदे हो। ए ओ स्कूल है जिदी दीवारें ऊपर बड़े सारे मैसेजेस जड़े लिखे रहे ना ताकि बच्चे एरे कोला कुछ सीखी सके। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ए स्कूल है, ठीक है। स्कूल दे बाहर निकलदे अगर तुसें इन्ना सोहना व्यू लब्भे ते केड़ा बच्चा छुट्टी मारदा भला। आओ तुसे व्यू दसते। यह है व्यू और किसका दिल करेगा वाकई में छुट्टी मारने का। बड़ा शहर लगा था, बहुत छोटी जी ग्राउंड है और बहुत प्यारा और साफ सुथरा स्कूल है जिसे पानी का भी लब्भा रहा कि पानी की फैसिलिटी भी है, वॉशरूम भी है ना। और आई विश कि जल्दी जल्दी बच्चे आई यार, मैं उनके भी गलबात करी सका। मॉर्निंग वॉक हुई खत्म और वापस चले हैं अपने आशियाने च अपने टेंट च। रस्ता तुसें ही दसनी हाँ मैं। इस रस्ते उपर कल चिक्कड़ चिक्कड़ होई दा हा की के कल बारिश दी बूंदा बांदी हो आ रही है ना सागर। पर अस बड़े खुश हैं कि बारिश नहीं हुई, धुप है और रस्ता भी थोड़ा सुकी है। एक के दिखो महाराज, ए खाली दिखने ही साफ नहीं लगा रहा। सागर ने TDS किता है ना, चेक किता है, अच्छी क्वालिटी का पानी है तो तां करिए ही पानी जड़ा इतों भराने अस पी। इस रस्ते तू आए हे अस और इतने लाया हाँ अपना प्यारा जहा टेंट। तो इतने अहें कल राती जड़ी है कुकिंग कीती ही। कार का सैटअप भी तुसें ही दसगे, टेंट का सैटअप भी तुसें ही राती दसी ओड़िया हा। और कन्ने कन्ने स्पेस च असें गी एक चूल्हा भी मिले क्योंकि मैं अपने कन्ने दो न्याणे लेंदे रे। ये हमारे घर के दो अनमोल रतन, एक है शाम दूसरा लखन। नाउ इट्स माय टर्न। बड़ा शैल लगता जिस वेले तुस शोर शराबे तू अलग आओ, शांति वाले इलाके जाओ, पहाड़ी इलाके आओ और एकदम शांति सन्नाटा
दूर दूर तक बंदे घट ने, और चिड़िया की आवाजा आवा रही, पक्षियों की आवाजा आवा रही, चिड़िया लब्भा रही जो कि शहरें असें नहीं लभदियाँ। बड़ा सुकून मिला रहा, रिलैक्स करा रहे, इंजॉय करा रहे, ये वैदर इंजॉय करा रही, बहुत मज़ा आ रहा। और ये मेरा टेंट ना ही तो ये रेडी अस हो फ्रैश अस हो तो हूँ सोचा ने कि जोड़ा मंदिर तुम्हें दसा उस मंदिर जाइए मत्था टेकचे और फिर बाद जड़ा है अगे कुते और लोकेशन पर जाने आ, ते दिखो हूँ अस कुछ जाइए कैंपिंग करने आ, सोचा रहे भैया का मन है कि नारकंडा जाचे तो मे भी अस नारकंडा जाचे, तुम्हें दिखा उन्हें मेरे मुँह पर कि धुप्प पवा रही और उन्हें जोड़े वो बदल आइए, इो मज़ा आता प्हाड़ी इलाके आने का। तो तुम दिखी सकते हो उपर बदल जड़े ने किन्ने बेशुमार कट्ठे हुए हैं, डर लगा रहा हर दो दो मिनट बाद कि केह पता बरखा जी पई आए। तो मैं तुसें दस कि पैकिंग साड़ी हो चुकी दी है, टेंट भी जो अहें चुकी ओड़े दा इधरू ये झूले दे कोल बिल्कुल अहें टेंट जो लाए दा ही, ते हुण गड्डी च समान जो तुन्ना ने आ, ते फिर अहें इस प्यारी जी जगह की टाटा बाय बाय कर दे निकली आगे कुछ और जगह पर। ते आओ चली आ मंदिर मत्था टेकन ताईं जियां कि मैं तुसें सवेरे सनाया हा। स्टोरेज जिथे अपना समान थोड़ा बहुत रखने और इसी जिस वेले अस खल करचे तो बैड बनी जाता तो और हूँ अस इसी सीट च कन्वर्ट कर लगे। तो देखो कि यह साड़ी तैयार हुई शानदार सीट, ये तो यह नहीं सोचो स्टैपलर मारे तो चुभना, यदा भी इलाज जोड़ा वह है ये लाओ महाराज, साड़ी सीट की ढो जी है वह आई है तो ये लाना इसी करने इं ये दिखो महाराज ये शानदार सीट भी जी तैयार हुई है चले और इसी बैड च भी कन्वर्ट करी सकने बड़े मजे करने। और ये सब कुछ ये सामने जो कारपेंटर कीते था। तो अभी हम जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पे ये पीछे रोड ना बनाया जा रहा है, अभी तो है तो कच्चा ही है, तो हमारे पीछे जो बनाने वाले हैं वो ये भैया जो कल भी हमने इन्हें देखा पूरा प्लेन कर रहे थे रोड, तो पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। और प्रज्ञा कुछ कहना चाहेगी? और मैं ये आखना चाहूँगी मैंने कि सवेरे का दिखा नहीं, सानू लग रहा कि शायद गिल्ली मिट्टी है, बरखा काफ़ी है तो गड्डी जड़ी ऊपर चढ़न नहीं होनी है, पर इन्हें दिखाया कि इनकी अज वापसी है तो अंकल सवेरे का असी प्लेन करन ताई लगे रहे पहले तो थैंक यू। और इन्ना अच्छा लग रहा कि यार ग्रां दे लोग मैं दिखनी पहाड़ी इलाके दे ग्रां किश लोग ना इन्ने मेहनती होंगे इन्नी मेहनत करते, मतलब दो बार जो मैं उसी चला ला तो मैं शायद थकी अंकल की मैं दिखा रही अंकल सवेरे दी इन्नी मेहनत करा रहे अजकल दे बच्चे हैं, मैं अपनी गै गल करना तो असें ही फिजिकल काम जो अस घट करने होंने कोई सू चार बारी बोली ओड़े ना कोठे पर जाए जाए कपड़े के रेड़िया तो अं थकी आने होंने, पर यह जो बिल्कुल थकते क्या खाते बाप सुबह खाते क्या है जो आप खाते हुए रोटी सिंपल तो कितने घंटे काम करते हो आप? 8 घंटे काम करते हो, थकते नहीं बॉडी? बंदे जिथे तुसीं लभदे ना उन्हें सलूट करो ते उन्दी रिस्पेक्ट करो। रास्ता जिथों आए गए है उस कॉटेज तक ऑफ रोडिंग भी हुआ थी साड़ी करने करने है ना तागन बिल्कुल। ये कौन से वाले पेड़ होते हैं?
ये है देवदार, देवदार दे पेड़ महाराज ता खन सोने गए दे लगा बीच तो इं लग रहा है यार अगर कोई जंगल जाने इतने खबरें कोई रोंदा भी होगा कि नहीं, पर अगे जाइए दिखा कि नहीं बड़े शैल कॉटेज बने दे तो मजा आया ही। तो ये देखो महाराज ऑफ रोडिंग भी साड़ी होवा दी कहते कहने, तो जो व्लॉग्स तुम्हें तक पुजते हैं उन्हें बनाना इन्ना आसान नहीं होता है, यहोले रस्तियां तो जरा निकलना पौंदा है। अस नारकंडा पुजी ने आ, जियां जियां नारकंडा जड़ा कि हाइट उपर है, जियां जियां चढ़ाई चढ़ते गए इं स्वेटर निकलती है बाहर आई है कि ये ठंडा मौसम है और लोकल का भी यो आखना है कि हर दुए त्रीए दिन बरखा पे ही आती और वैदर भी अहें चेक किया चांसिस है बरखा पौने की, तो अहें डिसाइड किया कि अहें कैंपिंग अज नहीं करगे, अस बैटर है कि होटल च कमरा ले लैचे। तो हम होटल में ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं और चेक इन करने के बाद हम निकले थोड़ा घूमने के लिए। हाँ, और इतने हाटू टैंपल जड़ा वो बड़ा गए प्राचीन मंदिर है, तो उत्थे जाने मत्था टेकन ताई, इस तो पहले नेरा पई है तो मैं सोचा की ना अहें जड़ा है वो मत्था टेकी आने। बिल्कुल, और अगर उधर कैमरा लाउड हो तो आपको भी दर्शन कराए जाएंगे।